हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फा स्टडी चैनल पर। आपको यहाँ पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी जानकारी दी जाएगी जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो। आज हम लोग सीखने वाले हैं यूट्यूब पर एजुकेशनल वीडियो कैसे बनाते हैं, और आपको यहाँ पूरी तरह से ऑथेंटिक और सही जानकारी दिया जाएगा, इसीलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। मैं बचपन से टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा जटिल तरीके से वीडियो बनाता हूँ ताकि आउटपुट अच्छा दे सके। तो चलिए देखते हैं हम किस प्रकार वीडियो बनाते हैं। मैं वीडियो बनाने के लिए इन सारे ऐप्स का प्रयोग करता हूँ: CAQ, ट्रांसलेटर, कैम स्कैनर, PDF रीडर, शॉर्ट टचेस इनेबल, फ्लोटिंग इमेज, फ्लोटिंग टाइमर, ड्यू रिकॉर्डर और लेक्सिस ऑडियो एडिटर। इन सारे का मैं 3 भाग में बांटा हूँ। ये पहला भाग जो है, ये सारा ऐप्स जो है वीडियो बनाने से पहले इन सारे का प्रयोग किया जाता है। इन सारे ऐप्स का जो CAQ, ट्रांसलेटर, कैम स्कैनर, PDF रीडर वीडियो बनाने से पहले प्रयोग करते हैं, और जब वीडियो बनाने के दौरान इस 4 ऐप्स का प्रयोग करते हैं, और जब वीडियो बन जाता है तो उसमें सुधार के लिए, उसमें मॉडिफाई के लिए, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए इस 5 ऐप्स का प्रयोग करते हैं। तो सबका एक एक करके काम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं CAQ क्या काम करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, CAQ का ऐप्स ओपन हो चुका है। ये CAQ ऐप्स क्या करता है, इसमें आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। इस पर आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन को आपको इस पर लिखना पड़ता है, तो किस प्रकार लिखते हैं वो भी बताएंगे। मोबाइल में जिस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन सेट किया गया है, इसी तरह से जो है CAQ इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार आप क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दे सकते हैं, 4 ऑप्शन में सही आंसर आपको पता होना चाहिए। जैसे इसका सही आंसर पर अभिकारक है तो इसमें दाबेंगे, इस तरह से हो जाएगा, और कोई आंसर दबाते हैं तो ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। तो CAQ ये जो है इस तरह से जो है क्वेश्चन तैयार करता है। तो क्वेश्चन तैयार करने के लिए इसको समझते हैं पहले। जैसे CAQ का हो गया क्वेश्चन तैयार करना, और क्वेश्चन जिसमें बोलते हैं वो ट्रांसलेटर है। इस ट्रांसलेटर का प्रयोग करके आप क्वेश्चन बोलिए और यहाँ ट्रांसलेशन से कॉपी करके CAQ में क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। और CAQ में कैसे क्वेश्चन तैयार करते हैं, अगर आपका वीडियो चाहते हैं इसके बारे में तो कमेंट में कीजिए। और आता है, अगर आप इस तरह से इसमें क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तो आप दूसरा उपाय है आपके पास, कैम स्कैनर। कैम स्कैनर का प्रयोग करके आप क्वेश्चन खींच सकते हैं। दिखा देते हैं अभी किस प्रकार खींच सकते हैं, और जो है वो पीडीएफ में उसे लाकर जो है वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये सब पहला काम है, ये जो है 3 भाग में बांटे हैं। इसका काम होता है वीडियो बनाने से पहले, और वीडियो बनाने के दौरान, और ये होता है वीडियो बनाने के बाद। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कैम स्कैनर में जो है फ़ोटो खींच के कैसे जो है PDF में ओपन करते हैं, और जो है उससे क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, PDF में क्वेश्चन ओपन हो चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है हम कैम स्कैनर से किसी किताब की या किसी की मदद से जो है फ़ोटो खींचना पड़ता है, और कैम स्कैनर से खींचने के बाद PDF में ऑन करना पड़ता है, और ऑन करने के बाद जो है ये इस तरह से सारे क्वेश्चन जो है आपका आ जाएगा। कैम स्कैनर ही PDF बना देगा। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट टच इनेबल्स का। तो इन सारे काम का आप समझ गए होंगे, ये सारा जो है वीडियो बनाने से पहले का काम होता है, और जब वीडियो बन गया तो उसके वीडियो बनाने के दौरान जो काम करते हैं शॉर्ट टच इनेबल्स का काम होता है। जैसे कि यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो ये जो सफ़ेद का बिंदु का जो पॉइंट होता है, ये सफ़ेद वाला, ये टच इनेबल्स का काम करता है। और फ्लोटिंग इमेज, फ्लोटिंग इमेज का काम क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये स्क्रीन पे इमेज है, तो ये जो है इस ये फ्लोटिंग इमेज आपको इमेज लाने का मदद करता है। ये जो इमेज है, तो ये इमेज आप स्क्रीन के किसी भी भाग में ले जा सकते हैं, ये फ्लोटिंग इमेज का काम होता है। और फ्लोटिंग टाइमर को देखते हैं क्या होता है। फ्लोटिंग टाइमर जो होता है वो दिखा देते हैं, फ्लोटिंग टाइमर का क्या काम होता है। अब देख सकते हैं जैसा कि फ्लोटिंग टाइमर ऑन हो चुका है, यहाँ पे आ गया है, तो इसे हम ऑन कर देंगे तो किसी क्वेश्चन का जो है आप समय दे सकते हैं। इस प्रकार से फ्लोटिंग टाइमर का काम होता है, ये स्क्रीन के किसी भी भाग में जा सकता है। और इन सब को जो कार्य करने के लिए जो काम करता है वो सारा जो है स्क्रीन रिकॉर्डर का काम कर रहा है। जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है वो DU रिकॉर्डर का काम होता है।
तो ये सारा का प्रयोग आप स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए कर सकते हैं, सारे जो स्क्रीन वीडियो बनाने के दौरान, और ये सब जो है क्वेश्चन तैयार करने के लिए इन सब का कर सकते हैं, और ये वीडियो बनाने के दौरान, और ये वाला भाग जो है वीडियो में इम्प्रूवमेंट सुधार वगैरह लाने के लिए। तो चलते हैं अब आखिरी वाला भाग को समझते हैं। तो पहला जो इसमें है लेक्सिस ऑडियो एडिटर, इसका काम होता है कि आपको ऑडियो को एम्पलीफाई करना, आपके ऑडियो को बेहतर बनाना। तो जो है ये क्या करता है, तो ये सिर्फ ऑडियो को बेहतर बनाता है, ऑडियो को एम्पलीफाई करता है, ऑडियो में ही सुधार लाता है, वीडियो को नहीं। तो सबसे पहले इसके लिए होता है क्या कि आप जो है लेक्सिस ऑडियो एडिटर का वीडियो कंप्रेस्ड ऐप्स आता है, इसमें आप जो है दो काम कर सकते हैं, या तो आप ऑडियो निकाल सकते हैं और इस ऑडियो को निकाल के लग्जरी ऑडियो मदद से जो है उसमें सुधार कर सकते हैं इस प्रकार, और जो सुधार हो जाने के बाद ऑडियो को ये रिप्लेस ऑडियो टू वीडियो इससे उसको जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये सारा काम होता है, और वीडियो कंप्रेस्ड का और एक काम होता है वीडियो कंपैक्ट का, ये जो है वीडियो के साइज को घटाता है। तो ये दो काम करता है, एक तो ऑडियो को बनाता है, ऑडियो जब इसमें ऑडियो को लेक्सिस ऑडियो एडिटर में ला के इसमें ऑडियो को और बेहतर बना सकते हैं, और बेहतर बनाने के बाद जो है ये रिप्लेस ऑडियो टू वीडियो इसकी मदद से जो है आप उसमें जो है जोड़ सकते हैं, उस वीडियो को ऑडियो वीडियो में जोड़ सकते हैं। और फिर जो आता है कोई अगर बीच में नॉइज़ आ जाता है, कोई त्रुटि आ जाता है, तो उसको इस ऐप्स की मदद से, ये वाला जो ऐप्स आपको दिख रहा है रिमूव मिडिल वीडियो, ये किसी भी क्षण का वीडियो को, किसी भी सेकंड का जो वीडियो को बीच से कहीं से भी काट के हटा सकते हैं। तो ये सारे ऐप्स जो है लगभग 10-12 करके डाउनलोड करने के बाद जो है बेस्ट जो लगा हमको वो ऐप्स आपको बता रहे हैं। और फिर आता है थंबनेल का जो आखिरी है, थंबनेल जो है वीडियो चढ़ाने से पहले जो है थंबनेल दिया जाता है। तो थंबनेल किस तरह बनाते हैं देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थंबनेल जो है खुल चुका है, ये वाला थंबनेल जो है इसकी मदद से, इस ऐप्स की मदद से बनाए जाते हैं। इस प्रकार से आप फोटो वगैरह जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा आपका थंबनेल बनेगा। तो इस तरह से आप थंबनेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सारे ऐप्स का जो प्रयोग है वीडियो बनाने से पहले, ये वीडियो बनाने के दौरान, और ये वीडियो बनाने के बाद कर सकते हैं। और जो आखिरी बचता है वो है स्क्रीन पे लिखने का। तो आप जो है हाथ के मदद से भी लिख सकते हैं, उंगली के मदद से भी, या फिर आप इस पेन के मदद से, जो हम लिख रहे हैं इस पेन के मदद से लिख सकते हैं। तो ये पेन जो है अमेजन पे 450 रुपये के आसपास में मिलता है, ये पेन खरीद के जो है आप आसानी से स्क्रीन पे लिख सकते हैं। तो आप, आई होप सब कुछ आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिए, और इस तरह से मज़ेदार वीडियो आपके पास टेक्निकल फील्ड से जो भी वीडियो आएगा आपको दे देंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और लोगों में शेयर कीजिए, और कमेंट करके बोलिए वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद। हाँ, और एक बात बताना चाहते हैं, अगर आपको इन सारे ऐप्स के बारे में 1x1 सारे जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। अगर कमेंट जब 5 आदमी का अगर एक ही प्रकार का कमेंट आता है तो उस ऐप्स के बारे में A to Z जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगला वीडियो के लिए, धन्यवाद।